कन्नौज पहुंचे प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने वृद्धावस्था और निरक्षर पेंशन योजना शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन पेंशन की पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया था। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने अपने भाषण सपा बसपा गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था और निरीक्षित महिला पेंशन योजना शिविर का आयोजन किया। शिविर में पेंशन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर का उद्घाटन कन्नौज के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने किया। संदीप सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं। प्रदेश सरकार में वे राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। शिविर के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर तीखा हमला किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन उपयोगी योजनाओं के बारे में भी बताया। कारण आजादी के लगभग 70 साल बीत जाने के बावजूद देश की करोड़ों की आबादी बैंकिंग व्यवस्था से अछूती रह गई। अधिकांश जनता के पास बचत बैंक खाता तक नहीं था। आज यहाँ पर दिव्यांग और विधवा एवं निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन को जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन तक लाभ पहुंचाया जा सके एक कैंप का आयोजित किया गया है, जिसमें कि आज में सभी लोगों के फॉर्म भर दिए जाएंगे और सभी अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। शाम तक उन फॉर्म को स्वीकृत भी कर दिया जाएगा।